हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे गाइस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। और अभी है सुबह का वक्त गाइस, और आज है ना शनिवार है गाइस। और यहाँ पे मैंने अपना जो किचन है ना गाइस, पूरा वो साफ सुथरा कर लिया है। और जो भी झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है ना गाइस, वो सारा चीज़ कर लिया है। घर भी ठीक ठाक कर दिया है। अब जा रही हूँ मैं भगवान जी का जो बर्तन होता है ना गाइस, उसको धो के और जा रही हूँ पूजा पाठ करूँगी नहा धो के, क्योंकि आज शनिवार है तो बिना मुँह धोए कुछ, बिना मतलब नहाए कुछ खा नहीं सकते हैं। ऐसे भी मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन शनिवार को थोड़ा जल्दी नहा लेती हूँ और नहा के तभी नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। इसी कारण से सोचा कि पहले भगवान जी का पूजा पाठ का जो भी चीज़ है वो पहले निपटा लेती हूँ। बर्तन वर्तन जो है ना, ऐसे ये सब लोटा थोड़ा छोटा छोटा चिपकी ये सब जो होता है ना, मैं धो लेती हूँ नहाने से पहले, ताकि फिर नहाने के बाद फिर दिक्कत ना हो गाइस। क्योंकि इसको साबुन से धोते हैं तो इसका छींटा पड़ जाता है ना, इसीलिए मैं पहले ही बर्तन धो के रख लेती हूँ। ये भगवान का लोटा है, इससे मैं जल चढ़ाती हूँ सूर्य भगवान को, और जितने भी मेरे पास भगवान हैं उन सबको मैं इससे जल चढ़ाती हूँ। आपने तो देखा ही होगा गाइस, पे मेरी पूजा हो चुकी है। अब चलते हैं किचन की ओर, नाश्ता वास्ता बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरी बिटिया रानी भी नहा चुकी हैं, ये भी नहा चुकी है। अभी जो श्रुति है उसने नहाया नहीं है, ये अभी पढ़ाई कर रही है गाइस, देख सकते हैं ये अभी पढ़ाई कर रही है। अब ये भी जा रही है नहाने के लिए, और मैं चलती हूँ किचन की ओर, देखती हूँ क्या क्या है क्या नहीं है, और नाश्ता बनाने का शुरुआत करती हूँ। ठीक है गाइस, मिलती हूँ आगे। गाइस यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, आ रही हूँ तो पता है गाइस क्या देख रहे हैं? देखिए गाइस, यहाँ पे ना मछली रखी हुई है ढेर सारी। पति देव आज लेके आए हैं मछली, क्योंकि उनको बहुत दिन से मछली खाने का मन था, तो अब मछली आज बन रही है हम लोग के यहाँ। और यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पे ये लहसुन छील रही है, इसको लगा दिया है लहसुन छीलने के लिए इसके पापा ने। और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है गाइस, मेरे यहाँ ना दिन भर में ना बहुत बार चाय बनता है। मैं बताती नहीं हूँ, बट दिन भर में 6-7 बार मेरे यहाँ चाय बन जाती है। तो अब जा रही चाय चढ़ाने के लिए। चाय चढ़ा के फिर मछली का जो भी धोना होना जो होगा ना, वो तो हस्बैंड ही करेंगे, पतिदेव ही करेंगे, क्योंकि नॉन वेज मैंने पहले भी बताया था, एक दिन अंडा बना था तो मैंने बताया था कि मुझे नॉन वेज बनाने नहीं आता, तो मेरे पति देव ही सारा बनाते हैं। तो अब जो है ना, अब जा रही चाय बनाने के लिए, फिर उसके बाद मछली का जो प्रोसेस होगा ना गाइस, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और आप लोग देखिएगा। ओके गाइस, बने रहिएगा। गाइस यहाँ मछली धुल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे मछली को अच्छे से धोया जा रहा है, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। गाइस यहाँ पे मछली जो है वो धुल चुकी है, और इसको ना अब मैरिनेट किया जाएगा। मैरिनेट पता है किस चीज़ से किया जाएगा? यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लहसुन और मिर्च और अदरक का पेस्ट यहाँ पे पीस लिया है, और यहाँ पे ये दही है, दही से मैरिनेट किया जाएगा इसको। सबको मिला के ना मछली में और रख दिया जाएगा गाइस कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। तो गाइस इसमें आप डाल रहे हैं हल्दी, मछली जो है ना वो धुल चुकी है, और इसमें मैं हल्दी डाल दी और हो गया। इसमें
नहीं। और लहसुन इसमें अब पड़ रहा है, लहसुन मिर्च पूरा, अदरक का पेस्ट है गाइस, अब इसको ना इसमें डाल के और मिला के अब मछली को 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि अच्छे से वो मिल जाए, मैरिनेट हो जाए, और तब उसके बाद सारा चीज मैंने डाल दिया है और अब डालूंगी नमक। तो गाइस नमक भी डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस इसको मिक्स किया जा रहा है, अच्छे से मिक्स हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए ना ढक के छोड़ दिया जाएगा, तब इसको फ्राई करेंगे गाइस। फ्राई करते हैं तो दिखाते हैं, थोड़ी देर के लिए ना ढक के छोड़ दिया जाएगा, तब इसको फ्राई करेंगे गाइस। फ्राई करते हैं तो दिखाते हैं गाइस। तो अब ये ना मैरिनेट हो चुका है और इसको कढ़ाई से थाली में पलट लिया है और यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इस मछली को छाना जाएगा गाइस, जब अच्छे से वो तेल ना बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसके बाद इसमें मछली को फ्राई किया जाएगा। ऐसे ऐसे होता है, दिखाती हूँ गाइस। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मछली तल रही है और यहाँ पर चार पीस निकल चुका है, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारा है गाइस, इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा फ्राई होने में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ना ग्रेवी तैयार हो गई है और यहाँ पे मछली फ्राई होके रखा हुआ है। अब इस मछली को इस ग्रेवी में डाल के थोड़ा देर छोड़ देंगे, एक उबाल आएगा और मछली बन के रेडी हो जाएगी। तो गाइस अब थोड़ी देर बाद मछली जब बन के रेडी हो जाएगी तो चावल के साथ हम लोग खाने जाएंगे। ठीक है गाइस, मिलती हूँ फिर मैं। गाइस देखिए मछली को डाल दिया है रस में और यहाँ पे ये बन के हो गई है रेडी और अब जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए। वैसे तो अभी बहुत लेट हो गया है, मैंने फ्राई मछली जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा खा लिया, इसीलिए अभी मन नहीं कर रहा खाने का, तो रात में ही डिनर में खाएंगे चावल और मछली। अभी सारी आराम करने क्योंकि बहुत देर से गाइस बन रही है मछली। ठीक है गाइस,